साथियों, आज हमारे साथ है गांव रामपुरा से रमेश चंद जी। और इनको घुटनों में दर्द था, घुटनों में बड़ी दिक्कत थी और ये लगभग 8 वर्ष थी। और इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया और हमने क्या क्या दिया, चलो इन्हीं से वार्तालाप करते हैं। रमेश जी, अंकल जी, आप कितने साल से था ये घुटनों में दर्द का हो रहा है? नमस्कार जी। सर, मेरे को ये तकलीफ है, हार्ट अटैक 2013 में आया था। हाँ जी, उसके बाद 15 से ही मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रॉब्लम रहने लगी, 2015 से। 15 से लेकिन अभी 18 के बाद तो इतना बुरा हाल हो गया पेंशन आने के बाद। पहले तो चलता था थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्सरसाइज होती रहती थी स्पोर्ट्स करना, और थोड़ा चलता था, कभी मेडिसिन भी ले लेते थे, पेन किलर वगैरह खा लेते थे, तो काम चल जाता था। इन 18 में पेंशन आने के बाद में तो बिल्कुल घुटने जाम हो गए जी। और अभी तो फिलहाल 6-7 महीने से तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि घूमना फिरना भी दूभर हो गया था, लेटिन बैठने के लिए भी मतलब घुटनों के ऊपर इतना वो नेता पड़े मुश्किल से, और स्टैंडिंग स्टेज पर जाना पड़ता था। बिल्कुल दिक्कत बड़ी आ गई, बड़ी दिक्कत आ गई थी। यानी लेटिन यदि बाहर लग गया तो घर भाग कर आना ही पड़ता था, सही बात, वरना बैठने की सुविधा नहीं बैठ पाता था। सही बात, काफी परेशान था इस चीज से। अच्छा, नींद भी नहीं आती थी पूरा? हाँ, नींद भी कम आती थी, मतलब बीच में जो इसमें दर्द होने लग जाता था लेटी लेटी, तो फिर तो नींद तो कहाँ आएगी, तकलीफ के साथ डिस्टर्ब से रहते हैं। हाँ, डिस्टर्ब रहते थे। तो उसके बाद आपने जैसे क्या कोशिश करी? उसके बाद मुझे कोशिश यही करी कि मैंने ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, हार्ट की दवाइयाँ वगैरह ले रहा हूँ, तो ये पैनल के थ्रू है, हॉस्पिटल पास हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर, उनको बताया तो उन्होंने बोला जी रिप्लेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद परिवार को बताया, फिर दोनों मना कर दिया, बोले ये रिप्लेस में ये खराब हो गया, तो क्योंकि आप इतने जागरूक थे इसी वजह से बच गए, नहीं तो मैंने तो रिप्लेस कर देना था। हाँ, बस बस बस। तो ये मतलब 19 की बात है, रिप्लेस में करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसको टाल दिया, मना कर दिया कि नहीं। फिर जी शुद्ध आयुर्वेदा का मतलब बच्चा मेरा वहाँ दिल्ली रहता है, इसमें पश्चिम बिहार में, और वहीं पर ये पड़ती है शुद्ध आयुर्वेदा की, पंचकर्मा, पंचकर्मा करवाया आपने? पंचकर्मा करवाया, पंचकर्मा से मेरे को काफी रिलीफ मिली, 40% के लगभग रिलीफ मिली। उन्होंने फिर बाद में किट वगैरह दी, लेकिन इसी दौरान यहाँ घर पर आने के बाद उन्होंने 8 दिन पंचकर्मा किया। घर पर आने के बाद मेरे को पता लगा कि बी के नुसीमा में प्राकृतिक चिकित्सा होती है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अपन घर के नजदीक भी जा सकते हैं, घर के नजदीक था, अब डेली अप डाउन 4 किलोमीटर सारा पड़ता है, घूम गए जैसे हो गया। अब जब आप यहाँ पे आए हो, जैसे आप बता रहे हैं आपने पहले भी शुद्ध आयुर्वेदा करवाया था मनीष जी से, तो मनीष जी के बाद 40% मिल गया था। हाँ जी, अब आपको 100% अभी मेरे को 100% अनुभूति हो रही है, बिल्कुल एकदम कहीं भी शरीर में हड़कापट भी, वेट तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन शरीर में हड़कापट भी है, घुटनों का दर्द भी, पेट तो बिल्कुल एकदम छिट गया, बिल्कुल पेट बिल्कुल सही। अच्छा, बड़ा अच्छा। आपने स्टार्टअप जहाँ से लिया ना जी, सबसे बड़ा मैं तो उनका मनीष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्टार्टअप उनसे वहां लिया, उसके बाद से यानी कि आप गलत डायरेक्शन में गए नहीं, गए आपने सीधा ही आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद को अपनाया, उसके साथ मैंने अपनी डाइटिंग पर भी ध्यान रखा, जो उन्होंने बताया कि भाई सुबह आप तो चाय और यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क भी लेना है तो मतलब आपको आपकी देसी खुद की गाय है तो ही थोड़ा बहुत मलाई तार कर ले लो, वो भी मड़ाई साल कर ले लो, क्योंकि आप साथ साथ हार्ट पेशेंट भी, बिल्कुल चाय तो बिल्कुल नहीं, हमारे लिए भी ये क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि हार्ट पेशेंट में बहुत सी चीजें ध्यान रखना, फिर ही कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल, तो अभी हम 100% मान रहे हैं, यानी कि हाँ बिल्कुल जी 100%। यानी मैं तो मेरे जैसे आप जिस दिन आए थे उस दिन आपकी चाल भी थोड़ी सी, चाल पैर मतलब क्लोज नहीं हो रही थी, पैर तो चौड़े करके मतलब एक पैर पर चल रहा था, मतलब धड़े पैर पर चल रहा, बाएं पैर तो बिल्कुल सीज था, लेकिन आप ये बिल्कुल आराम से जी। तो और ये एक सबसे बड़ी बात, हमने कोई दवाई नहीं दी, नहीं दवाई कोई भी दवाई नहीं दी, और अपने जो टेक्निक है अपनी शोधन क्रिया और जो सेक वगैरह बिल्कुल पत्रक पोटली के माध्यम से वो हमने आपको ठीक किया। और एक बार देखते हैं कि हमने आपको क्या क्या दिया, जैसे शरीर शोधन के लिए मिट्टी पट्टी दी, सेक दी, एनिमा भी करवाया, नेती भी करवाते थे, थोड़ा सर में दर्द रहता था, अब वो भी क्लियर हो गया। और पैरों की मसाज दी डेली डेली, और पत्रक पोटली के माध्यम से,
और पाद सनान दिया, कभी लोकल बाप दी, कभी उन्होंने बाप दिया। तो इस तरह करके ये हमने लगभग 10 दिन में आपको, आज लगभग आप फ्री हो गए हो जी। और इसका सबसे बड़ा रोल जी आपका खुद का है। नहीं जी, मैं तो आपका बता रहा हूँ कि देखो इतनी मतलब सेवा, मैं इसको मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो तो सेवा भाव है ना जी। देखो जी, थेरेपी आप चिकित्सा कर रहे हैं, चिकित्सा चिकित्सा में फर्क होता है, आपके सेवा भाव से ही मतलब आदमी की आत्मसंतुष्टि होती है, उसी से ही तकरीबन यानी 50% तो उसी से आदमी ठीक हो जाता है। मैंने यहाँ पर देखी सुनील जी हैं, मनीष जी हैं, ये बड़े अच्छे भाव से इतने मतलब मन लगाकर और अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छा परिवार के सदस्य, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह मालूम नहीं पड़ता है जी, हंसते हंसते सेवा करते हैं और सेवा सेवा में ही उपचार हो जाता है। कभी आपको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बिल्कुल अस्पताल में नहीं, क्योंकि सारे आपके बच्चों की तरह बिल्कुल बड़े आनंद से। और जो सेवा भाव से उपचार कर रहे हो, भगवान में कर रहे हो कि सभी को स्वास्थ्य मतलब लाभ मिले यहाँ पर, और परमात्मा जो भी मतलब है कि आपके ऊपर भी उनके आशीर्वाद बरसते रहे यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी बरसती रहे इस संस्थान के अंदर, और जो भी मरीज आए वो जल्दी यहाँ से स्वस्थ होकर जाए, मेरी तो यही कामना है। आप बड़े अनुभव है इन चीजों में, तो जैसे क्या होता है कि कई बार लोग गलत डायरेक्शन के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आप तो अडिग थे, मुझे तो अपने को नेचुरल तरीके से ठीक करना है, लेकिन कई क्या होता है कि 2-4 दिन आके भी, क्योंकि 2-4 दिन में फर्क हम कैसे डालें। एक एलोपैथ की जो टेबलेट है वो तो आपको तुरंत 5 मिनट में असर डाल देती है, लेकिन हम करते हैं जड़ पे काम। बिल्कुल, अब कई लोग बोलते हैं भाई सर में दर्द है, आप पेट का क्यों इलाज कर रहे हो, तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर समझदार आदमी है वो तो सारी गाइडलाइन। एक मिनट का छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, प्रकृति यानी जो पक्षी अंडा देते हैं उसको समय है कि 20 दिन इसको सेएगा, यानी उसको हिट देगा फिर छोड़ेगा, हिट देगा फिर छोड़ेगा, हिट देगा फिर छोड़ेगा, उसको पता है कि इतने दिन के बाद मैं चोंच मारूंगा, मेरा बच्चा बाहर आएगा। लेकिन एलोपैथी क्या है कि अंडा आया मशीन में डाला उधर चूजा निकल गया, मशीन में डाला उधर चूजा निकल गया, लेकिन उसमें अंतर प्रकृति में देंगे तो उसमें समय लगेगा, प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है। तो हमें बैलेंस बनाना है, कितनी हमारी बैलेंस यानी पांचों तत्वों में से कौन कौन से बैलेंस सुधारने हैं, तो उतना ही उस हिसाब से लगेगा। एक तत्व है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, यदि हमारे पांचों ही तत्व डिसबैलेंस है तो उसमें पांच गुना समय तो लगेगा। अब हम पहले क्या करते हैं, धीरे पेट जहर निकालते हैं, जो लोगों ने खाया है उसका हम जहर निकालते हैं, विष होता है, उसके बाद शुद्धि करने के बाद फिर हम जैसे देते रहते हैं एक्सटर्नली ही मसाज दिया या कुछ और मिट्टी पट्टी दिया, जो भी थेरेपी दी वो बाहर से ही देते हैं। बिल्कुल जी, और तब जाके ठीक होता है। वही है जी, जैसे धोबी हो गए, धोबी का नहीं होता, जो रंगरेज होता है वो कपड़े को पहले धुलाई करेगा, उसका पूरा मैल निकाल देगा, उसके बाद रंग डाल देगा तो रंग चढ़ेगा, अब वो मैल पर तो रंग नहीं चढ़ेगा, वही बात है, जरूरी है, नेचुरल है। तो अंकल जी मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बड़ी मेहरबानी जी आपकी भी, आपके पूरे स्टाफ की बड़ी मतलब बड़ी प्रशंसा करता हूँ, और आपसे भी धन्यवाद आपने सेवा भाव से, और मेरे को इस घुटनों के दर्द से निदान मतलब किया आपने, आपकी बड़ी मेहरबानी, और परमात्मा करे आप ऐसे ही सभी को रोग मुक्त करते रहे, और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा यानी हमारी सांस्कृतिक चिकित्साओं को मतलब दुनिया अपनाती रहे, और इन विदेशियों के चंगुल से छूटते रहे, हमारी यही कामना। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।